कुछ कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है TMA पाई फाउंडेशन और कर्नाटका एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका के साथ, जो इंटरिम पॉलिसी रेगुलेशन नोटिफिकेशन डेटेड 10 जून 2003 को इशू हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, कि 15% ऑफ सीट्स आउट ऑफ 85% कोटा सीट्स इन अनएडेड प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज मैनेजमेंट कोटा सीट एंड शैल बी बॉट आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। इसको समझने के लिए ये देख लीजिए कि ये जो ये रिट या केस हुआ था वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ से, जैसे तीन तरह के कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको फुल एड मिलती है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट पैसा देती है, एडेड को शायद 65-70 पार्शली देती है, और अन एडेड प्राइवेट कॉलेज जिसे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी कहा जाता है उनको जीरो देती है। इस पर उन्होंने कहा था कि कॉलेज में इतने खर्चे होते हैं तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो रेगुलर बच्चों से फीस आती है वो पूरी नहीं कर पाते, इसलिए कुछ कोटा हमें चाहिए जिनसे हम जिनके में हम एक्स्ट्रा पैसे लेके उन सीट्स को बेच सकें, ठीक। तो इसमें ये डिसीजन आया था, वो डिसीजन में क्या है कि जैसे एक स्टेट का कोटा है पंजाब का 85% कोटा है, नॉन पंजाब का 15% कोटा है, मतलब 15% जो है सीट्स रहेंगी हर कॉलेज में वो नॉन पंजाब के लिए बच्चों के लिए रहेगी और 85 पंजाब के बच्चों के लिए। उन 85 में से 15% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटे की रहेगी, इट मीन 100 के पीछे जो 13 सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटे की हैं। वो मैनेजमेंट कोटे के लिए आप डायरेक्ट वो मैनेजमेंट के साथ, नॉट प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ बात करके उस सीट को खरीद सकते हो। इट मीन जो नॉर्मल फीस है, फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख फीस है तो मैनेजमेंट उस पर 2 लाख भी ले सकती है, 1.5 लाख भी ले सकती है, 1,20,000 भी ले सकती है और 1 लाख की 1 लाख भी ले सकती है। मैनेजमेंट का फैसला आप ओके और मैनेजमेंट के बीच का रहेगा, तो वो सीट्स आप खरीद सकते हो। उसकी एडमिशन कैसे होनी है इसमें बताया गया है, एक तो है कि यूनिवर्सिटी एक्सक्लूड करेगी जो ये कंबाइंड काउंसलिंग होगी उसमें उसमें इन सीट्स को शामिल नहीं करेगी, मैनेजमेंट की सीट्स जो ये टेस्ट हो रहा है इसमें जो सीट्स होंगी वो मैनेजमेंट कोटे की शामिल नहीं होंगी। दूसरा, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि सभी के लिए कंपलसरी है, अगर वो मैनेजमेंट कोटा में भी सीट लेना चाहते हुए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन हर हालत में करवानी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है आपको अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 2400 रुपए, अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो 1200 रुपए ये पे करने होंगे, रजिस्टर होना ही होगा, ठीक। उसके बिना आप लाइन में मैनेजमेंट कोटा में भी नहीं लग सकते। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा आल्सो विल हैव टू रजिस्टर ऑन दी एडमिशन पोर्टल विच विल बी ओपन आफ्टर द सेकेंड काउंसलिंग, ये रहा सेकेंड काउंसलिंग स्पेशली फॉर दोस हु वांट्स टू अप्लाई अगेंस्ट मैनेजमेंट कोटा, द सीट्स अंडर द मैनेजमेंट कोटा शैल बी फिल्ड अप इन द कंसर्न, ऐसे फिल की जाएगी, मैनेजमेंट कोटा विल बी फिल्ड ओनली आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द सेकेंड काउंसलिंग, ठीक है। ईच इंस्टीट्यूट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग द काउंसलिंग शैल पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले हर कॉलेज एडवर्टाइजमेंट देंगे कि हमारे कॉलेज में 200 सीट्स हैं, 200 में से 26 सीट मैनेजमेंट कोटा की हैं और उनके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, अगर 100 सीट्स है तो 13 होगी, अगर 50 है तो मतलब उससे आधी हो जाएगी, है ना। तो वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइजमेंट 2 लैंग्वेज में उन्हें देनी होगी, ये हर हालत में उन इंस्टीट्यूट के लिए कंपलसरी है। ये कब होगी, ऑन द लास्ट डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग एंड मे रिपीट ऑन एडवर्टाइज, अच्छा बाद में सेकंड काउंसलिंग के बाद उन इंस्टीट्यूट को देनी होगी। अगर कोई शख्स लेना चाहता है मैनेजमेंट कोटे में तो जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते या पीछे रह जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उनके लिए बाद में मैनेजमेंट कोटा में जाना पड़ता है, नेचुरली उनकी फीस फिर नॉर्मली ज्यादा लगती है।
तो एडवर्टाइजमेंट फिर देखनी होगी। वैसे एडवर्टाइजमेंट से पहले ही आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हो वहां जाके बात कर सकते हो, अंदर की बात है ये हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है कि उसको पब्लिश करना होगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि मैनेजमेंट कोटा भी मेरिट लिस्ट पर बनेगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल 13 सीट्स हैं और कैंडिडेट्स मान लो 30 आ गए, नॉर्मली ऐसा अब नहीं होता, तो 30 हैं, तो उनमें से किसको चूज करना है वो जिसके हायर मार्क्स हैं उसको चूज किया जाएगा और पैसे की बात अलग से होगी। पर नॉर्मली क्या होता है कि चूज उसको किया जाता है जो ज्यादा पे करता है। इसमें मैनेजमेंट कोटा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, आप बीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पेमेंट वाली सीट है, पेड सीट भी बोल सकते हैं इसको। कोई भी कॉलेज सेकंड काउंसलिंग से पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता।